अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी ज्ञानवापी मॉस डिस्प्यूटेड सुप्रीम कोर्ट टू हेयर क्रूशियल। ज्ञानवापी जो ज्ञानवापी केस टुडे, ज्ञानवापी का जो सीन चल रहा है उस पर वीडियो है रिजवान सर का। आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या मैं अल्लाह से भी डरता हूं, मैं कानून से भी डरता हूं, मैं पुलिस से भी डरता हूं, मैं हवालात से भी डरता हूं, मैं पुलिस का डंडा खाने से भी डरता हूं, सीधी बात। और पुलिस मेरे घर मुझे गरेबान पकड़ के ले जाए, मैं उस बेइज्जती से और जिल्लत से भी डरता हूं। तो मैं तो डरता हूं, तुम नहीं डरते, और तुम कहते हो नहीं डरते पर सबसे डरते हो। तो साहब जैसा आप देख चुके कि आज के वीडियो का नाम है हर मस्जिद का अलग दर्द, थोड़ा ज्ञानवापी पर अपडेट दूंगा। और कल के मैंने वीडियो में यह बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक दूसरी मस्जिद से जोड़कर आप लोगों को एक बात बताऊंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं मुसलमान सही भी हो प्रथम दृष्टिया, तो उसके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा। और मुसलमान जहां पर सही भी है प्रथम दृष्टिया, उसके नेता उसके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे। वो इस मारे नहीं खड़े हो रहे क्योंकि वो वहीं खड़े होते हैं जहां उनका एजेंडा पूरा होता है। दो घटनाओं को जोड़ के आज का वीडियो आपके सामने लाया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे कुछ पल पहले या कुछ पल बाद अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, किस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एक पिटीशन पड़ी है कि जैसे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है उसी तर्ज पर वजू खाने का भी सर्वे हो, जो ज्ञानवापी का भी एएसआई ने सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट गई है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों साक्ष्य मिल रहे हैं कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर हुआ करता था। उसी तरह से ये एक पिटीशन डाली जा रही है कि वजू खाने का भी सर्वे हो। उस एएसआई के सर्वे में वजू खाने का सर्वे नहीं हुआ था क्योंकि वजू खाना पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सील कर दिया था। अब जब ये हमारी सात बहनों ने, महिलाओं ने जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, विष्णु जैन जी इनका कोर्ट में इनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली है कि वजू खाने का भी सर्वे हो। अब पिटीशन में जो सही तरह से ड्राफ्टिंग होती है उसकी खूबसूरती देखिए, ये दो प्रेयर की गई हैं, ये शायद दो पिटीशन डाली गई हैं। पहली पिटीशन डाली गई है कि भैया जो वजू खाने को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सील किया था उसको सील को हटवाने का आदेश करे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके पश्चात हम दूसरा आर्गुमेंट करेंगे कि वहां का भी सर्वे हो वजू खाने का जिसको सील किया गया है। यानी प्रेयर एक है, प्रेयर एक क्या है, प्रार्थना एक क्या है कि इस जगह का सर्वे हो, लेकिन उन्होंने मूल प्रश्न पर अपनी प्रार्थना पत्र डाला है कि जहां जिस ऑर्डर के तहत इसको सील किया गया था जब वो हटेगा तभी हमारी दूसरी प्रेयर सुनी जाएगी। इसको कहते हैं कंप्लीट प्रार्थना पत्र। वैसे नहीं जैसे मुसलमान अभी पहुंच गए थे मस्जिद पक्ष के लोग, इनके वकील पहुंच गए थे, जो मैं आप लोगों को वीडियो में समझा रहा था कि उन्होंने कहा साहब पूजा रोक दी जाए। अरे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले, जो इस पर आदेश हुआ है कि इसको रिसीवर डीएम को सौंप दिया जाए 17 जनवरी को, मूर्खो पहले इसको तो इसका तो विरोध करो, पहले इस उस आदेश को तो नल एंड वॉइड या शून्य करार करने का प्रार्थना करो। मूर्खो कहा नहीं था, मेरी भावनाओं में निकल गया जाहिलो, उसके बाद दूसरी प्रेयर लेके आना ठीक करके इसको कि भैया हम जाते हैं कि वहां पर पूजा रोकी जाए। तो ये फर्क है, फर्क देखा आपने। अब जो हमारे बहने गई हैं विष्णु जैन जो इनको लेके गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो सही तरीके से गए, पहले मूल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं उसके बाद अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक। तो ये डेवलपमेंट है।
उधर शांतिपूर्ण बंद रहा। मुझसे कल कोई बोल रहा था मोदी का डर, योगी का डर। रिजवान भाई, जब मैंने बताया शुक्र है कि जुमे को इस तरीके से एक शांतिपूर्ण बंद किया गया। अब यही बात आ जाती है मुसलमान हमारे भाइयों, जब तो हम देरी कर देते हैं किसी चीज में, तो हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसमें प्रशंसन लग जाता है। अब जो ज्ञान वापी को लेकर बंद किया गया, पावर लूम भी बंद रहे, खरादे भी बंद रही, लगभग 6,500 दुकानें बंद रही, बड़ी अच्छी बात है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। देखो पत्थर चलते तब मैं बुरा भला बोलता ना, मैं अब क्यों बोलूं मैं, तो अच्छी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं योगी के डंडे से, बुलडोजर के डंडे से ये डरे हैं, वरना इनकी फितरत ऐसी नहीं। देखो यार हम लोग कितने बदनाम हो गए। दूसरी बात, जुमे की नमाज में बहुत बढ़ चढ़कर नमाजी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। आम तौर पर 500-700 नमाजी होते थे, लेकिन अब कम से कम 4,000 नमाजी वहां नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा। बड़ी अच्छी बात है, जुमे की नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन जब तुम जानबूझकर एक मस्जिद में जाकर एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, एक पावर शो के लिए कहीं नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो उस नमाज पर भी मेरे भाइयों, आप उतने लोग कहोगे यार देखो रिजवान भाई अब आप गलत बात करने लगे, प्रशंसन लग जाता है। और जब भी अपना ताकत का शक्ति प्रदर्शन करो मेरे मुसलमान भाइयों, जैसे आपने काम बढ़ चढ़ कर यहां नमाज पढ़ने जाएंगे और 4,000 पहुंच गए। मान लो बनारस की जनता ये कह दे अब हम बढ़ चढ़ कर व्यास वाले तहखाने में पूजा करने जाएंगे, तो सोचो जैसे तुम्हारी सोच है हमारी सोच है मुसलमानों की, ऐसी अगर दूसरे की हो गई, भैया तुम 4,000 पहुंचे वो 40,000 पहुंच जाएंगे, तुम 14,000 पहुंचोगे वो 1,40,000 पहुंच जाएंगे, तो फायदा होगा नहीं होगा। तो जहां नमाज पढ़ते हो वहां नमाज पढ़ो, तुम वहां पर 4,000 नमाज पढ़ने जाओ या जितने पढ़ रहे हैं 500 उतने ही पढ़ें, धरातल पर कोर्ट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। खाम खाम बस आप अंदर से चाहो तो आप खुश होते रहते हो। अब हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर लिए, आप लोग को पता है मुसलमान भाइयों, जो मैंने आज के वीडियो का नाम रखा है हर मस्जिद का अलग दर्द, दिल्ली महरौली में आज से 7 दिन पहले 31 जनवरी को, यानी 5 दिन पहले, एक 600 साल पुरानी मस्जिद सुबह 4:45 बजे 4 बुलडोजर लाके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसकी एक कमेटी बनी थी संजय वन के क्षेत्र के लिए, जो लगभग 730 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 7 बीघा 5 बिस्वा में एक मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद अखुनी। ये मस्जिद 600 साल पुरानी थी। डीएम साहब ने, डीएम साउथ दिल्ली ने, अब डीएम साउथ दिल्ली किसके अंडर आता है समझ गए, उन्होंने 27 जनवरी को एक कमेटी बनाई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन डेवलपमेंट और डीएम मिलके काम कर रहे हैं, यानी केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार मिलके काम कर रही है। डीएम साउथ दिल्ली ने एक कमेटी बनाई 27 जनवरी को, उन्होंने कहा हटाओ इस मस्जिद को। 1922 के एएसआई या उस टाइम के रिकॉर्ड में है, 600 साल पुरानी है। उन लोगों ने कहा हमारे पास सारे कागज हैं, उन्होंने कहा हटो, बुलडोजर चलाए और पूरी मस्जिद 5 दिन पहले मुसलमानों, अब मातम क्यों नहीं कर रहे, मातम इस मारे नहीं कर रहे क्योंकि साउथ दिल्ली का डीएम किसके अंडर आता है, उसी के अंडर आता है जिसको जाकर वोट देते हो, इसीलिए तुम मातम नहीं कर रहे। और इसीलिए मैंने आज के वीडियो का नाम रखा है अलग अलग मस्जिदों का अलग अलग दर्द। उस दिन मैंने दिखाया था ना, 2014 के बाद तेलंगाना में 4 मस्जिदें तोड़ी गई, 2 तो सेक्रेटेरिएट तेलंगाना में एक्सपेंशन के लिए तोड़ी गई, एक दूसरी मस्जिद शाहबाद में तोड़ी गई, सब दिखा चुका हूं ना, दिखा चुका हूं ना। जब तुम्हारा जाहिल आजम नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम तेलंगाना के मुख्यमंत्री से इसका इलू का रिश्ता था, जो इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा था और इनके परिवार को सिक्योरिटी दे रहा था और इनके काम करवा रहा था इनके क्षेत्र में, इनके कहने से पुलिस वालों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती थी, इस मारे नहीं बोली गई।
और 6 दिन पहले, यानी यार कुछ मस्जिदों का ही रोना करना है, कुछ मस्जिदों का ही मातम करना है। मामला टूटने के बाद 2022 में, सॉरी टूटने से पहले पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस जगह की हदबंदी करी जाए। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 2022 का ऑर्डर, और इसको डीमार्क किया जाए, यानी संजय वन से इसकी चौहद्दी निकालकर इस मस्जिद की 2 मजार भी थे, और ये वो मजार नहीं थे जो 20 साल पहले बन गए, जैसे उत्तराखंड में कांड हुए हैं जो 30 साल पहले बन गए या 40 साल पहले बन गए, ये वो मजार थे जो 600 साल से बने हुए हैं। उसकी हदबंदी डीमार्केशन का ऑर्डर किया, डीमार्केशन नहीं हो पाया 2022 के बाद, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बुलडोजर आए और रिश्ते नाबूद करके चले गए। तुम्हारे जाहिल आजम के कान पर जू नहीं रहेंगी, जू कैसे रहेंगी, तुम्हारे मुसलमानों तकलीफ कैसे होती, तुम्हारे तकलीफ होती तो तुम्हें तो और शर्मिंदगी होती, क्योंकि डीएम साउथ दिल्ली किसके अंडर आता है, तोड़ा कैसे गया है, 4 सेंटर की भी गई, 4 स्टेट की भी गई, सिर्फ सेंटर की जाती, तब मजा आता इस किस्से में, तब जरा कुछ आतिशबाजी होती, कुछ सीना पटौल होता, कुछ पत्थरबाजी होती तो मजा आता। तो ये फर्क है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने, और ये कहा है कि बताओ ये कैसे तोड़ी। यार मुसलमानों तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हारे नेताओं को सरपरस्तों को इस घटना का होश ही नहीं है। गूगल करो, मुझे गाली बाद में देना। दिल्ली मेरोली 600 ईयर ओल्ड मॉस्क, 600 साल पुरानी, ठीक, डिमोलिस्ट, बुलडोजर, बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दी। ये नहीं कि छज्जे वज्जे तोड़े हों, लेकिन तुम चुप हो। चुप तुम क्यों हो, फिर अपना वीडियो खत्म करूंगा। चुप मुसलमान तुम इसलिए हो, मैं नहीं हूं। हाई कोर्ट दिल्ली ने कहा है ये बताइए कैसे तोड़ी, जब हमने डिमार्केशन का ऑर्डर किया था, नहीं है उस मस्जिद के नीचे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, 600 साल पुराना है, संजय वन का कंसेप्ट बाद में आया है, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे नेताओं की बोलने की नहीं है, क्योंकि तुम मान के चलते हो कि अगर भाजपा तुम्हारी दुश्मन है तो दूसरा जब तुम्हारे डंडे लगाता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जो अपने को सेक्युलर कहते हैं, तो तुम चाहते हुए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, तुम शर्मिंदा हो जाओगे अपने आप से राजनीतिक दृष्टि से। क्यों नहीं है, इस मारे नहीं है, क्योंकि लाल किशन आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, द ज्वेल ऑफ इंडिया, ठीक, तो इस पर तुम्हारा बोला चार मीनारा का, जहां कहीं भी लाल किशन आडवाणी की रथ यात्रा गई वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई, और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे। अब ये चीज मैरोली से कैसे जुड़ रही है, ये ऐसे जुड़ रही है क्योंकि मुसलमान यार हम हर जगह पकपक करते हैं, हमें हर जगह बोलना है, मुंह पर हमको डायपर बांध के बैठना चाहिए कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है, इस वजह से, क्योंकि जब हर जगह बोलोगे, जब हर जगह नेगेटिविटी करोगे, जब हर जगह शिकायत करोगे, तो तुम्हारी शिकायत कौन सुनेगा। हमारा ईमान इतना खराब हो गया है क्योंकि एक वो हिंदू जो कट्टर राइट विंग भी नहीं है वो भी अब हमारे साथ सहानुभूति नहीं रखा है, कुछ लेफ्ट के मुट्ठी पर रोक लग लें, कुछ राजनीति के चलते हमारे साथ रख लें, वरना आमतौर पर कोई हमारे साथ नहीं रखता, क्योंकि तुम व्यास जी के तहखाने की लड़ाई लड़ रहे हो यार। बेचारे हिंदुओं को तहखाना मिला है पूजा करने के लिए, यानी सुन के भी अजीब लगता है, व्यास जी का तहखाना यार, 30 साल पहले वहां पूजा हुआ करती थी यार, 500 साल के लिए तुम सच क्या बोलोगे यार, 30 साल पहले वहां पूजा हुआ करती थी, मुझे याद है, मैं कोई 90 साल का नहीं हूं, मुझे याद है, तुम उसके लिए भी लड़ रहे हो, तुम व्यास जी के तहखाने के लिए लड़ रहे हो, और मेहरोली में मस्जिद पे बुलडोजर, यार हंसी आती है तुम्हारे ऊपर यार, मजाक का सबब हो तुम, खिल्ली उड़ाने का सबब हो यार तुम लोग, मैं नहीं, मैं तो बहुत समझदार, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हूं, अल्लाह से डरने वाला मुसलमान हूं, और भारत में मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जीवन भर नहीं पड़ेगी, तुम डरो, और तुम ही कहो कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, भैया मैं अल्लाह से भी डरता हूं, मैं कानून से भी डरता हूं, मैं पुलिस से भी डरता हूं, मैं हवालात से भी डरता हूं, मैं पुलिस का डंडा खाने से भी डरता हूं,
सीधी बात, और पुलिस मेरे घर मुझे गरेबान पकड़ के ले जाए, मैं उस बेइज्जती से और जिल्लत से भी डरता हूं। तो मैं तो डरता हूं, तुम नहीं डरते, और तुम कहते हो नहीं डरते पर सबसे डरते हो। तो मेरे भाई मुसलमानों, व्यास जी की लड़ाई छोड़ो, अभी ज्ञान वापी का भी सर्वे होगा, वजू खाने का, इतने दिन बीत गए। अगर फव्वारा था ना तो ईमान के अगर साफ थे तो खुद सर्वे करवा के साबित कर देते कि ये फव्वारा कैसे है। जो विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर देते कि विष्णु जैन रिपोर्ट में कहां कहां झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम कुर नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेईमान हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था ज्ञान वापी मॉस्क का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। रिजवान साहब बता रहे थे कि जो पटिशने हैं, पटिशनों पे पटिशने अब आ रही हैं, हिंदू पक्ष भी डाल रहा है और दूसरे मुसलमान पक्ष वाले भी। और देखिए, इसका केस का फैसला, कोई इस विवाद को ख़त्म होना चाहिए, या तो कोर्ट का जो फैसला आए उसको माने, या कोर्ट का फैसले के अलावा बैठकर, मिल बैठकर एक दूसरे की बात सुन समझकर जो कर लें वो ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी विवाद के। और ये जो विवाद होगा या जो लड़ाई होगी, इस जुमे को जिस तरह से हुआ है, दुकानें बंद रही या कुछ भी हुआ या जैसे भी कहा, या जो मोदी योगी के डर से भी हुआ, तब भी ठीक है, ये बात भी सुन लो, लेकिन इस माहौल को, इस शांति को बनाए रखिए। और ये जो लैंड है, ये जो मॉस्क है, इसका जो फैसला कोर्ट का है उसे मानिए और उसको लेकर आगे चलिए। अब इस पे क्या लड़ाइयाँ, झगड़े और क्या, ये कोई ऐसी मॉस्क नहीं है कि जिसके लिए आप रुक जाओ कि ये गई तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दूसरे पक्ष भी उसको बेहतर तरीके से समझता है इन सब चीज़ों को, तुम्हारी चीज़ों को। और ये अगर जिस तरह बाबरी मस्जिद एक बाबर ने बनवाई थी और उसके एक सिपा सलार ने, इसी तरह से ये जो ज्ञान वापी का सीन है ये भी होने वाला है, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, ये वाला चुनना है या वो वाला चुनना है। और रिजवान सर उसको बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे, अगर समझ आ जाए बिल्कुल ऐसी है जी, मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे के साथ, भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए, मोहब्बत को फ़रोग देना चाहिए, और इस बात को मिल बैठ के जो है बातचीत के जरिए हल कर लेते, जैसी बात कोई नहीं है। इस बुझती जो चिंगारी है इसको हवा मार दें, इसको ना फैलाएं, क्योंकि ये आगे बहुत पीछे ये बहुत फैल चुका है, जितना फैलना था ये फैल चुका है। प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम दें, जैसे कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे ही इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि दोबारा इंतशार फैले, दोबारा भड़काऊ माल हो, दोबारा कोई ऐसा फसाद हो जिसमें कीमती जानों का ज़िया हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मिल बैठ के हो, बात हो जाए या फैसला हो जाए, उस जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी, आप देखिए कि अब वहाँ पे केस चल रहा है, बिल्कुल, तो वहाँ पे उसको केस को लड़ने के लिए कोई अहल लोगों को भेजिए ना, ताकि वो आपका जो मुद्दा है वो वहाँ पे रख सके, बाहर आके आपको पूछे, अंदर जाके जो आपको पहले केस करना चाहिए जिस तरह से पिटीशन दायर करनी वो कर नहीं रहे, बाजी इबादत पूजा जो है ना वो रोक दें। तो भाई आप वहाँ पे जाके केस लड़िए, अपने सबसे काबिल लोगों लेके जाइए वहाँ पे। देखिए महिलाएं जो है ना दूसरी पक्ष से लड़ रही हैं और बेहतरीन तरीके से वो कह रही हैं कि भाई वजू खाना का जो ऑर्डर है स्टे खत्म कीजिए, फिर आगे हमें ये स्टे दीजिए, हम वहाँ पे सारा कुछ करना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो है ना वो इदारे जो है वहाँ पे उनके बनाए हुए हैं, वो सर्च करेंगे, वो सारे सबूत ला कर पेश करेंगे। और वजू खाना भी लग तो ऐसे ही रहा जैसे वो शिवलिंग वहाँ पे है, तो उसी से शिवलिंग से ही मेरे ख्याल ज्यादा वो मसला निकला था शुरू से, जब ये ज्ञान वापी का मसला शुरू हुआ था। तो चीज ये है कि आप देखिए कि आप शिवलिंग है तो आप तो फिर जो है ना वजू जो है ना वो शिवलिंग के पानी से करते रहे हो, तो फिर आप क्या कहोगे अपने मजहब के अंदर, तो भाई इसके ऊपर ही आ जाए तो कैसे वजू होता रहा और कैसे वो सारी चीजें होती रही। आपको भाई अब ये सारी चीजें हैं को मीठा मीठा आप भाई पर तो कौड़ा कौड़ा थू थू तो ऐसे तो नहीं होता, तो सारी चीजें हैं भाई अपनी मुनाफे पर छोड़िए। ये हमें खुद से भी पता है कि असल में हकीकत में मामला क्या है, मर्जी है कि हम अच्छे तरीके से मान जाए और मर्जी है कि लड़ झगड़ के मान जाए, मर्जी है चार भाई मानना तो हमने लड़ झगड़ के चार जूते खा के मान, बिल्कुल जूते पड़ेंगे। अब जो बाबरी मस्जिद के वक्त जो था ना वो हकूमत योगी जी की नहीं थी, नहीं थी, अब वैसे हालात वो नहीं करने देंगे, और अगर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उनको उसी को ही तो कह रहे हैं ना मोदी और योगी का डर है, बिल्कुल डर होना चाहिए। कल एक हमने वीडियो की वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, जिसमें वो मुफ्ती साहब ने कहा था कि इनको योगी जी को दुआएं देनी चाहिए, मुसलमानों को योगी जी को दुआएं दें,
कि उन्होंने इनके लाखों रुपए जो हैं वो बचाए हैं, जो कोर्ट कचहरी में लग रहे हैं, थाने में और कोर्ट कचहरी में जो ये लगा रहे थे, क्राइम नहीं कर रहे थे, तो वो अब उन्होंने कानून इतना सख्त कर दिया कि क्राइम भाई आप वो ऐसा नहीं होगा, अब इनको कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो अपने तरफ से सबूत दलाइल दीजिए, वहाँ पे आपके पास पूरा मौका है, वहाँ भी मौका है और कहीं पे नहीं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।